आप सभी का स्वागत है। ओखला से बड़ी खबर आ रही है। हमारे सामने बैठे हुए हैं मेहरुद्दीन अंसारी साहब, इस इलाके के सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्कूल चलाते हैं, शोगरा पब्लिक स्कूल। इनको लगातार धमकी के कॉल आ रहे थे, फिरौती मांगी जा रही थी। इन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया और जो फिरौती मांगने वाला था उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। पूरा वाकया बताइए, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ आपके साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब, मैं आ रहा था रास्ते में, करीब 5:05 के आसपास मेरे पास फ़ोन आया। मैं मयूर विहार के रास्ते में था, अपने घर आ रहा था बटला हाउस में, तो वहाँ मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में उन्होंने बताया कि मैं, आपने पहचाना भाईजान, मैं फहद बात कर रहा हूँ। मतलब फहद कौन से फहद बात कर रहे हैं? तो उसने बताया कि ऐसे जो दिलशाद मर्डर केस में अंदर जेल में बंद है, मैं वो फहद बात कर रहा हूँ। मतलब जी बताइए क्या बात है? उसने बोला मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए आपसे, कि आप 1 करोड़ रुपया मुझे दीजिए। हमने बोला नहीं, 1 करोड़ रुपया मेरे पास में नहीं है। तभी उसने फिर आने के बाद बदतमीजी शुरू कर दी। हमने बोला भाई आप मेरी बदतमीजी मत कीजिए, मेरी बेइज्जती नहीं कीजिए, पैसा नहीं है तो कहाँ से ला के देंगे आपको? तो उस पर नहीं माना, उसने बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ करनी शुरू करी, धमकियाँ देनी शुरू करें कि स्कूल बंद करा देंगे, जान से मार देंगे, ऐसा नहीं है, 48 घंटे के अंदर अंदर हमको पैसा चाहिए, अगर आपने 48 घंटे में पैसा नहीं दिया तो ऐसा आपको मार देंगे, स्कूल तोड़ देंगे, गोली मार देंगे, बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे गालियाँ बदतमीजियाँ बहुत सारी करना शुरू किया। तो उसके बाद में फिर मुझे समझ में आया कि मरना तो एक ही दिन है, अगर धमकियों से मरता रहा तो आदमी रोज़ मरेगा। तो मैंने उसको बोला जो तुझे करना कर ले, पैसा मैं 10 रुपये भी दूंगा। और सच्चाई भी यही है कि मैं 10 रुपये भी किसी को नहीं देने का, इस तरह की धमकियों में, इस तरह के उसमें तो कहीं भी किसी को 10 रुपये नहीं देना। और मैंने कोई किसी के साथ गलत नहीं किया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। तो पुलिस ने बहुत फास्ट एक्शन लिया, कैसे ये सारी चीज़ें हुई, पुलिस ने किस तरह से आपकी मदद की? क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि कई न्यूज़पेपर्स में ये खबर आई है आज। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल्ली पुलिस का, खासकर अपने DCP साहब का। DCP साहब ने बहुत अच्छे से एक्शन लिया। जब मेरा DCP साहब गया DCP ऑफिस में, उनको बताया अपनी पूरी बात जो है, तो बड़े सिंसियरिटी दिखाते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा केस जो है स्पेशल स्टाफ को दिया। फिर वहाँ इंस्पेक्टर दिनेश साहब थे, तो मैं रियली दिल से मतलब ऑब्लाइज हूँ उनसे कि अगर इसी तरह के जो सारे लोग हो जाएं तो क्राइम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए दिल्ली में। जैसे SHO सुमन साहब हैं NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के, दिनेश साहब हैं हमारे DCP साहब हैं, ये पुलिस इस तरह के सारा सब अगर एक्शन लेने वाले हो जाएं तो दिल्ली में कभी क्राइम नहीं हो सकता, ख़त्म हो जाएगा क्राइम सब जगह से। आपने बहुत हिम्मत करके कंप्लेन किया है, ये सारी चीज़ें आपको धमकी लगातार दी गई, जान से मारने की धमकी दी, फिर भी आप गए। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पॉजिटिव दिखाया गया, लगातार चीज़ें हुई और उनको गिरफ्तार, क्या और भी लोग हैं इन्वॉल्व, उनकी गिरफ्तारी भी बाकी है क्या? इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, अभी पूरे हमारे इलाके में इस तरह का एक ये पूरा चल रहा है, तो बाद में पता चला कि भाई यहाँ पर और भी लोगों से ये किया, तो एक पूरा एक गैंग काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस इंशाल्लाह एक एक छान के सबको निकाल के लेकर आएगी। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है स्पेशल स्टाफ ने किया, किसने गिरफ्तार किया? स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तारी किया। अच्छा, स्पेशल स्टाफ की टीम पूरी लगी और उसने पूरी गिरफ्तारी की? पूरी गिरफ्तारी की। ये थाना NFC में इसकी FIR दर्ज हुई और पूरा स्पेशल स्टाफ वालों ने इनको गिरफ्तार किया। वहाँ के SHO साहब ने बहुत कोऑपरेट किया, मेरा हौसला अफजाई किया। सच में ये रहा कि इस तरह की धमकियाँ जब आती हैं आदमी के अंदर हौसला टूट जाता है। मैं बीमार इंसान हूँ, शुगर का मरीज़ हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बीमारी है। ये पता नहीं, कुछ लोग अपने थोड़े से मुफाद के लिए किसी की भी जान से खेलने की कोशिश करते हैं, तो नहीं समझ में। मैं तो ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे दे और हलाल रोजी कमाने की इनको तौफीक दे। जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ मर्डर कर रहे हैं या फिरौती मांग रहे हैं, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह इनको हिदायत दे और हलाल रोजी कमाने की इनको तौफीक अता करे। तो ये सारा सब है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी से आदमी खेल लेते हैं, इनको पता भी नहीं है कि भाई उनकी एक ज़रा सी धमकी है, एक मजाक में या सीरियसली होकर किसी की जान भी जा सकती है। तो यही सारा सब चीज़ है जनाब। दिल्ली पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जाना जाता है और जिस तरह से जल्द गिरफ्तार किया गया और लगातार कार्रवाई हो रही है, आप कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहें पूछिए। थैंक यू फॉर जी, बताइए। इसमें कोई भी शक नहीं है, वाकई दिल्ली पुलिस जो है तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी पुलिस है और ये पूरा बहुत अच्छे से उन्होंने किया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ दिल्ली पुलिस का और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक दिल्ली पुलिस जो है आखिर तक एक एक कड़ी को निकाल के लेकर आएगी।
जो मेरे साथ जिन लोगों ने इन लोगों को दिया हवाला दिया है कि भाई कहाँ किसको देना है, किस तरह से पैसा कहाँ से मिलेगा, उन सबका इंशाल्लाह पता निकल पाएगा, मुझे उम्मीद है जी। थैंक यू।